राहुल गांधी से लगातार दो दिन पूछताछ के बाद ईडी फिर सुर्खियों में है। 10 साल पहले तक ईडी का नाम शायद ही कभी कोई सुर्खियों में आता था, कोई जानता भी था, लेकिन इन दिनों तो सीबीआई से ज्यादा ईडी का शोर है। ईडी विख्यात है या यूं कहें कि कुख्यात हुई, मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए कानून होने के बाद से है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब से मनी लॉन्ड्रिंग का केस भारत में सुर्खियों में आया उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा चर्चा में आने का मौका मिला। अब इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ यानी पीएमएलए का मतलब भी समझ लेते हैं कि क्या होता है, इसके खिलाफ क्या एक्शन होता है। आपको 2020 का वो किस्सा भी याद होगा जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। अगर ये बात सच है तो अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो होती है यानी एनआईए को भी बनाने की कानूनी ताकत जो है एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इसके उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमोदित जरूरत या नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है जैसे मकान या फिर कोई होटल हो या फिर उसे नहीं खाली कराया जा सकता तब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की शर्तें भी रखी गई हैं। लेकिन पहली जो शर्त है आपको भी बता देते हैं, जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा जो आरोपी होगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें ज़रूर सुननी होंगी। दूसरी शर्त यह है, इसके अलावा कोर्ट अगर इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं होगा कि जमानत मांगने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा तभी भी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दरअसल 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया, राहुल को समन जारी किया। साथ ही ईडी ने सोमवार और मंगलवार को राहुल से इस मामले में पूछताछ की है। अब इसको जानते हैं कि दरअसल वो कौन कौन से मामले हैं जिसमें कांग्रेस के नेता इन दिनों ईडी के निशाने पर हैं। सबसे पहले मामला था पंचकुला लैंड केस यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मामला। ईडी ने 26 अगस्त को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ एजेएल मामले में चार्जशीट दायर की थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपए का प्लॉट एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल को 69,39,000 रुपए में बेच दिया था। पंचकुला स्थित इस भूखंड को 2018 में ईडी ने कुर्क कर लिया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। दूसरा मामला आता है डीके शिवकुमार का, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। 3 सितंबर 2019 को ईडी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम डीके शिवकुमार को टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 दिन तक पूछताछ भी हुई थी। तीसरे नंबर पर आता आईएनएक्स मीडिया यानी कि पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम वाला मामला। आईएनएक्स मीडिया मामला भी एक उदाहरण है। दरअसल पी चिदम्बरम पर न केवल विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कंपनी यानी कि एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने में रिश्वत लेने का आरोप लगा बल्कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। हमने आपको वो घोटाले भी बताए जिनमें या तो कांग्रेस के नेता आरोपी हैं या उन पर जाँच चल रही है, पूछताछ हो रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।